बात कि बीवी अगर करती है तो उसका सवाब हस्बैंड को मिलता है, ये हमारे हिंदू लोगों में ये कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई कर्म करते हो, आप अगर कोई पुण्य करते हो, तो वो बराबर आपके ही हिस्से में जाना है। हम उपवास करते हैं तो उसका पुण्य हमारे हस्बैंड को मिलता है। दिस इज अ जस्ट अ कंसेप्ट, कितना गलत है, उसको साइंटिफिक, उसको कोई भी आधार नहीं है। वो कहा गया है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सर, यू हैव वेरी एफिशिएंटली, वेरी एविडेंटली यू हैव प्रूव दैट इस्लाम इज रियली a good religion which has to be followed। मैं और ये बात कहना चाहूंगी बुरखे के ताल्लुक से। ये कंसेप्ट हम लोगों में भी आया है कि हमको ओढ़कर ढककर चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खाली देखने से भी उसको स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये बात तो इस्लाम में कब से कही है कि आपने ओढ़ना ढकना है। सर, वेरी एफिशिएंटली यू हैव साइंटिफिकली प्रूव दैट इस्लाम इज रियली अ वेरी गुड रिलीजन एंड एवरीबॉडी शुड फॉलो इट। इस्लाम में बेटियों को जो हक दिया गया है, हम लोग अभी 89 के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको ये किया है कि हम लोगों को भी, बेटियों को भी उसमें हक मिलना चाहिए, वरना everything is for boys, nothing for girls, you are married, everything is stopped, you have no relation with the parental property। जबकि इस्लाम में ये शुरू से ही दिया गया है कि equal rights for both male and female children। दूसरी बात आपने कही है, हम जोर देंगे कि रेप केसेस में जो प्रोसीजर्स होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको 7 डेज के अंदर उसका डिसीजन होना चाहिए, वी वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट दिस शुड बी फॉलोड इन इंडिया। देन एंड देन ओनली टू सम एक्सटेंट वी कैन कंट्रोल ऑल द सिचुएशंस। सर, ऑन बिहाफ ऑफ आवर कैंपस, आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल फॉर यू कमिंग हियर एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग्स अवर स्टूडेंट्स, एंड वी फील that in future we will have many more interactions and association so that we can enrich our Islam।